नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे राजस्थान के ऐतिहासिक और पवित्र धार्मिक स्थलों के एक और नई एपिसोड में। दोस्तों, आप जानते ही होंगे भोलेनाथ हमेशा पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए आज हम दर्शन करने वाले हैं बेहद खूबसूरत पहाड़ों के बीच छठा बिखेर रहे जागरनाथ महादेव जी मंदिर के। दोस्तों, आज का यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पवित्र तपोभूमि है। दोस्तों, यहाँ जागरनाथ महादेव का काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। जागरनाथ महादेव जी के मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने दो बड़े बड़े और खूबसूरत हाथियों के प्रतिमाएं आप देख सकते हैं, और इसी प्रवेश द्वार के ठीक सामने एक प्राचीन बावड़ी है। ये वो प्राचीन बावड़ी है दोस्तों, इसका जल कभी भी नहीं सूखता है। इसी बावड़ी के अंदर से निकाल कर कमल के फूल शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, खम्मागणी, राम राम, और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे राजस्थान के पावन तीर्थों की श्रृंखला के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ यसराना पर्वत के ऊपर बसे जागरनाथ मठ के जागरनाथ महादेव जी के। दोस्तों, और साथ में आप दर्शन करने वाले यहाँ के बहुत ही खूबसूरत वादियों के, जो कि यसराना पर्वतमाला पीछे आप जो देख रहे हैं, ये लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। दोस्तों, आप चारों ओर देखिए एक बार। दोस्तों, यहाँ पर शिव जी के दो मंदिर हैं, एक नया मंदिर और एक पुराना मंदिर। ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये पुराना मंदिर है दोस्तों, ये बहुत ही प्राचीन और पांडवकालीन मंदिर है। दोस्तों, करीब 220 साल पहले यहाँ के रेतीले धोरों में से एक जागृत शिवलिंग निकला था, जो इसी मंदिर के अंदर मौजूद है। माफ़ करना दोस्तों, प्राचीन शिवलिंग के दर्शन आपको नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि मंदिर के पट बंद हो चुके थे, लेकिन नए मंदिर में हम शिव जी के दर्शन जरूर करेंगे। दोस्तों, ये है यहाँ का नया मंदिर। यहाँ से प्राप्त शिलालेख के अनुसार इस मंदिर की स्थापना 1182 से लेकर 1207 ईस्वी के बीच की गई थी। बाद में इस मंदिर को मुरलीगिरी महाराज ने बनाया था, जिसे नया मंदिर कहा जाता है, और मंदिर के ठीक सामने मुरलीगिरी जी महाराज की भी समाधि मौजूद है। जागरनाथ महादेव जी का शिवलिंग इतना प्राचीन है कि शिवलिंग को जलघात से बचाने के लिए यहाँ पर सफ़ेद मार्बल की पट्टियों से ढका गया है। और यहाँ की एक और खासियत है दोस्तों, शिवालय के परिसर में सोनगरा जुजा जी महाराज का एक स्थान भी है, जिनको सबसे पहले यहाँ पूजा करने का वचन दिया गया है। शिव जी से भी पहले उनकी पूजा यहाँ पर होती है दोस्तों, जिसकी पालना आज भी होती है। तो दोस्तों, मंदिर के इस धुणे की बहुत ही बड़ी विशेषता है दोस्तों, और ये बहुत ही चमत्कारी धुणा है, क्योंकि इसकी स्थापना 600 वर्ष पहले मुरलीगिरी जी महाराज ने की थी, और स्थापना के उस वक्त इस धुणे को उन्होंने प्रज्वलित किया था। तब से लेकर आज तक ये धुणा प्रज्वलित है दोस्तों, इसीलिए इसे अखंड धुणा कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, श्री जागरनाथ महादेव के दर्शन के साथ साथ यहाँ पर सुंदर और मनोरम दृश्य और रेतीले पहाड़ों के धोरे लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पर बंदरों व अन्य जीव जंतुओं को भी देखा जा सकता है। तो चलिए हम भी इन पहाड़ों की सैर करते हैं दोस्तों। आइए आपको जागरनाथ जी के धोरों की सैर करवाते हैं। हाय गाइस, आइए आपको जागरनाथ जी के धोरों की सैर कराते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू। चलिए ऊपर चलते तक चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो चुकी है, देखते हैं कहाँ तक ऊपर तक पहुँच सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं, हालत टाइट हो चुकी है, थोड़ा विश्राम करके आगे देखते हैं कौन सा लोकेशन मिलता है हमें। तो दोस्तों, बारिश में ब्लॉग बनाने का एक अलग ही एक आनंद आता है दोस्तों, बूंदा बूंदी हो रही है दोस्तों। फिलहाल मैं खड़ा हूँ पहाड़ी के चोटी के ऊपर दोस्तों, एक रेतीला पहाड़ है दोस्तों, जहाँ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिलहाल क्या है कि बारिश हुई है, इस वजह से क्या मिट्टी थोड़ी दबी हुई है, इस वजह से हम लोग आराम से चढ़ पाए। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल छोड़ के मत जाना, और इस वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे दिखने वाले दोस्तों। वर्तमान श्री जगन्नाथ जी महादेव जी का मंदिर तत्कालीन महंत श्री सोमवार भारती जी के अथक प्रयासों से 1984 में संगमरमर के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था, और महंत श्री गंगा भारती जी महाराज
श्री सोमवार भारती जी महाराज के परम शिष्य थे, जो कि बड़े तपस्वी थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ का नजारा। दोस्तों शिवरात्रि के साथ साथ प्रतिवर्ष यहाँ पर दो मेलों का आयोजन होता है और साथ ही सावन के महीने में तो यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। ब्रह्मकालीन श्री गंगा भारती जी महाराज के शिष्य मोहन भारती जी और विष्णु भारती जी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं और यहाँ पर भक्तों के लिए चाय, खाने पीने की हर सेवा उपलब्ध होती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना और आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने गांव का नाम कमेंट में ज़रूर मेंशन करना ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो किस गांव से देखी जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महादेव।